बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑनलाइन हेल्थ टिप। दोस्तों, ऑनलाइन हेल्थ टिप के चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू किया गया है जिसका नाम है प्यारे बच्चों के प्यारे नाम। और इस सिलसिले में आप देख पाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे नाम। हमारी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूनिक और एक मुनफरद किस्म के नाम आपको बताए जाएँ ताकि आप उन नामों में से अपने बच्चे का नाम का इंतखाब कर सकें। नाम जितने अच्छे होंगे, उसके मायने जितने अच्छे होंगे और उसके असरात भी बच्चे के ऊपर अच्छे जाहिर होते हैं। इस सिलसिले में हमारी ख्वाहिश ये होगी, इस सिलसिले में हमारी कोशिश यही होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक नाम बताए जाएँ और ऐसे नाम बताए जाएँ जिनके मायने बहुत ही अच्छे हों। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ऑनलाइन हेल्थ टिप सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर कर लीजिए और बेल के बटन को भी लाजमी दबा दीजिएगा। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो को बर वक्त देख सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और आपको बताते हैं कुछ मुनफरिद और प्यारे प्यारे से नाम जिसके मायने भी बहुत ही प्यारे से हैं। हमने कोशिश यही की है कि इस वीडियो में आपको तकरीबन तमाम ही नाम ऐसे बताए जाएं जो कि मुनफरिद हों। अगर आप में से किसी का भी नाम इस वीडियो में बताए गए नामों में से है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और शामिल करते हैं आज का पहला नाम। पहला नाम अताबुक, ये एक तुर्की जबान का लफ्ज़ है अताबुक, और इसके मायने हैं हिफाजत करने वाला। और आजकल तुर्की ड्रामे उर्दूगुल का भी बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो उसी हवाले से ये नाम हमने मुंतखब किया है। तुर्की जबान का लफ्ज़ है ये अताबुक और इसके मायने हैं हिफाजत करने वाला। दूसरा नाम जो हमने अपनी फहरिस्त में रखा है वो नाम है अशकन, और ये भी तुर्की जबान का लफ्ज़ है अशकन, और इसके मायने हैं सेहत व तंदुरुस्ती। तीसरा नाम है अंसर, ये अरबी जबान का लफ्ज़ है अंसर, और इसके मायने हैं मदद करने वाला। चौथा है अकलीम, और ये भी अरबी जबान का लफ्ज़ है अकलीम, और इसके मायने हैं सल्तनत या विलायत। पांचवा नाम है अबसर, ये भी अरबी जबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं बुलंदी, आसमान। छठा नाम है अहकम, ये भी अरबी जबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं पायदार, नहायती मजबूत। सातवां नाम है अलकर, ये भी तुर्की जबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं बेनज़ीर, यकता मिसाली। आठवां नाम है असीफ़, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है असीफ़, और इसके मायने हैं फरमाबरदार, ताबेदार, हुक्म मानने वाला। नवा नाम है इतबा, इतबा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इतबा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं ताबेदार, फरमाबरदार, पैरवी करने वाला, तलकीद करने वाला, फरमाबरदारी। दसवां नाम है एहरार, ये अरबी और उर्दू दोनों में इस्तेमाल होता है और इसके इसके मायने हैं महफूज रखना, बचाए रखना, निगाह रखना। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और आज की इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं 10 मुनफरिद नाम, और हमें उम्मीद है कि ये नाम आपने पहली दफ़ा सुने होंगे। बहुत ही मुनफरिद से नाम हैं। अगर आपने पहले कभी ये नाम सुने हैं या किसी का ये नाम पहले से है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।